2026 में ये प्रॉब्लम जिस थ्योरी पर आधारित है उस थ्योरी को हमने बहुत पहले बतला दिया है पीछे वाला पार्ट में। उस थ्योरी में क्या था, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी ये तीनों समानुपात में है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बटा बी बराबर बी बटा सी लिखेंगे ना। अब मान लो दिया हुआ है 3:4:5, इसका मतलब ए का मान हुआ 3, यानी ए को 3 हिस्सा मिलेगा, बी को 4 हिस्सा मिलेगा, सी को 5 हिस्सा मिलेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं ए बराबर 3, यानी LHS को लेंगे तो ए बटा बी बराबर हो जाएगा ए का मान कितना 3, बी का मान 4, सी का 5। अब बी बटा सी लेंगे, फिर बी बटा सी लेंगे तो बी हो गया 4, सी हो गया 5। अब देखो दोनों समीकरण में ए पहला में है तो दूसरा में नहीं है, सी दूसरा में है तो पहला में नहीं है, लेकिन बी पहले समीकरण में भी है और दूसरे समीकरण में भी है ना जी। तो बी का मान 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसका अर्थ हो गया अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग ऊपर नीचे गुना करके बराबर करते, यानी इसको हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे, इस रूप में दिया हुआ है। ये पहली विधि है, दो विधि सिर्फ हम बतला देते हैं या चलो देखो। वन बाय एक्स अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5, इसका अर्थ हो गया ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए दो भाग यानी 1/x बराबर 2, इसीलिए तिरछा गुना करो तो 1 तिरछा गुना होगा तो 1 बराबर 2x और 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/2। पुनः 1/y 3 भाग यानी 1/y बराबर 3, अब तिरछा गुना होगा तो 1 बराबर 3y और 3y बराबर 1, इसीलिए y बराबर 1/3 होगा। पुनः 1/z बराबर 5, तिरछा गुना करेंगे तो 1 बराबर 5z और 5z बराबर 1, इसीलिए z बराबर 1/5। हम लोग को x अनुपात y अनुपात z निकालना है, यानी निकालना क्या है, निकालना है x अनुपात y अनुपात z बराबर व्हाट क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बटा y बराबर y बटा z। LHS में लो x बटा y, x का मान कितना है 1/2 बटा y का मान 1/3, इसको तोड़ेंगे a बटा b बटा c बटा d के रूप में जोड़ रहे तो ऊपर वाला नीचे वाला गुना हो जाएगा 3, अब बीच वाला दोनों गुना हो जाएगा 2 होगा। अब RHS लो y बटा z, y का मान 1/3 बटा z का 1/5
एक और पांच गुना हो जाएगा, पांच बटा तीन, तीन एक गुना हुआ तीन। अब देखो x बराबर तीन, y बराबर दो, यहाँ y बराबर है पांच, इसका मतलब y का मान बराबर होना चाहिए ना। यहाँ दो है, यहाँ y का मान पांच है, इस पांच से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दो, पहले भी कई हिसाब बतला चुके हैं। और इस y का मान दो है, y का मान पांच है, इस दो से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ये हो गया तीन पंचे पंद्रह, दो पंचे दस, ये हो गया पांच दूनी दस, तीन दूनी छ। अब देख लो x बराबर पंद्रह, y बराबर दस, y बराबर दस, y का मान मिल गया, z बराबर छ, होगा ना जी। इसलिए x अनुपात y अनुपात z बराबर, x बराबर कितना तो 15 अनुपात y का मान 10 अनुपात z का 6 आंसर। इसमें b है 15 10 6। इस पर जो थ्योरी बतला है ना, इसको देखने पर ये हिसाब अच्छा से समझ में आ जाएगा, वैसे समझी जी। चलो उतारो इसको। ये दिया हुआ है ए बी या सी का मान निकाल करके या रख दो, वही आंसर होगा। इसमें तुमको कितना समीकरण दिखाई दे रहा, दो दो तीन समीकरण है इसमें, इसीलिए टू ए बराबर थ्री बी एक समीकरण एक, दूसरा टू ए बराबर टू ए बराबर फोर सी, तीसरा समीकरण बराबर दो फोर सी, तीसरा थ्री बी बराबर फोर सी है ना। तो ए बी सी का मान निकालना है, तो समीकरण एक से टू ए बराबर थ्री बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर तीन बटा दो, तीखा गुना करो तो इक्वेशन तो आता है टू ए है बराबर थ्री बी, तो इससे चौथा समीकरण मिला। अब समीकरण दो ए बी निकाल लिए तो बी सी निकालेंगे, जरूरी नहीं है ये लेना है, ले भी सकते हैं। चलो दो ही हल करते हैं, समीकरण दो से टू ए बराबर फोर सी, इसीलिए ए रहने देंगे, आगे का सी बटा में आएगा फोर बटा टू। अब तिरछा गुना करो तो टू ए बराबर फोर सी है, ये मालूम है ना, ए गुने बी बराबर सी गुने डी, ये तिरछा गुना में एक हुआ है, तिरछा गुना का मतलब ए रखो या बी, मान लो ए रखते हैं तो बट्टा बराबर फिर बट्टा दो, तिरछा गुना बी का है तो यहाँ बी, तरीका ठीक हो, सी डी यहाँ सी दो और यहाँ डी दो, देखो तिरछा गुना में सी डी आ गया, ए बी बराबर सी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बी को यहाँ दे दो, बी को ही रखो तो ए को यहाँ दे दो, तो ए बी तो पर भी हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यहाँ है डी यहाँ दे दो और सी यहाँ दे दो, तो ये सब इक्वेशन का हेर फेर है ना। तो इसी स्टाइल में इसको लिखे हैं। अब ये हो गया
समीकरण पांच, चार और पांच में देखो ए का मान तीन, ए का मान चार, बी का मान दो, सी का मान दो, यानी दोनों समीकरण में एक ही हिसाब में एक वेरिएबल का मान हमेशा एक जैसा होगा। तो समीकरण चार और पांच से ए का मान बराबर करेंगे तो इसमें चार से गुना कर देंगे, इसमें तीन। समीकरण चार एवं चार और पांच को लिखो, पांच से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर तीन बटा दो तथा ए सी बराबर चार बटा दो। एक मान तीन, एक मान चार, ये कट रहा है, दो एक दो, दो दूनी चार, दो बटा एक होगा। एक मान तीन तो एक मान दो, इसका मतलब इस दो से ऊपर नीचे गुना कर दो तो ये हो गया तीन दूनी छ, दो दूनी चार। अब एक मान दो है, एक मान छ हुआ तो दो को कितना से गुना करेंगे, तीन से, तब छ होगा, तीन बटा तीन से गुना करो, दो तिया छ, एक तिया तीन। अब देखो ए बराबर छ, बी बराबर चार, फिर ए बराबर छ, सी बराबर तीन, वाह। यहाँ ए बराबर छ, बी बराबर चार तथा सी बराबर तीन, इसीलिए ए अनुपात बी अनुपात सी छ अनुपात चार अनुपात तीन आंसर कौन सा विकल्प हुआ, छ चार तीन सी है आंसर। देखो कैसे बनेगा, इस सब टाइप का समझ रही है ना, तो इसको आगे वाला लिखो। फिर मैं एक चीज ध्यान दो, समीकरण एक और दो के आधार पर हम लोग को ये आंसर निकला है ना, समीकरण एक और तीन के आधार पर भी यही आंसर निकलेगा, समीकरण दो और तीन के भी आधार पर यही निकलेगा। जैसे देखो समीकरण एक से लिखे हैं टू ए बराबर थ्री बी, तो इसके अनुसार ए बटा बी बराबर तीन बटा दो निकला, और फिर समीकरण दो से निकाले हैं ए सी का मान, तो समीकरण दो के बदला मान लो तीन का उपयोग करे तो समीकरण तीन ले, तो समीकरण बी थ्री बी बराबर फोर सी, इसीलिए बी ए सी यहाँ आ जाएगा बराबर चार बटा तीन। तो इस समीकरण में एक और तीन में देखो ए का मान तीन, इसमें ए नहीं है, बी का मान दो और यहाँ बी का मान चार है, तो दोनों को कैसे बराबर करेंगे, ये दो है इसको चार बनाना है तो ऊपर नीचे दो बटा दो से गुना कर दो, तीन दूनी छ, दो दूनी चार होगा ना। अब देखो ए का मान हो गया छ, बी का मान चार, बी का मान यहाँ भी चार, सी का मान तीन हुआ ना, तब अनुपात बैठा दो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान छ तो छ अनुपात बी का मान चार, सी का मान तीन, देखो छ चार तीन वही आंसर आया। एक का तीन लिए पहले, एक दो लिए थे, मान लो दो और तीन लेकर के बनाओ तो इस पर भी यही आंसर आएगा, इसको इसको लेंगे तो टू ए बटा
फोर सी, इसीलिए ए बटा सी बराबर चार बटा दो कट जाएगा, दो बटा एक। ये समीकरण दो लिए हैं, अब समीकरण तीन लेंगे। थ्री बी बराबर फोर सी, इसीलिए बी बटा सी बराबर चार बटा तीन। ए का मान दो, इसमें ए नहीं है, सी का मान एक, यहाँ सी का मान तीन है, तो एक को तीन बनाने के लिए तीन बटा तीन से गुना कर दो, दो तिया छ, एक तिया तीन। अब देखो ए बराबर छ, बी बराबर चार और सी बराबर तीन, सी बराबर तीन हुआ ना। ए यानी छ अनुपात बी यानी चार अनुपात सी, तीन छ चार तीन। तो जैसे बनाओ क्या, इसको मिटा करके आगे वाला लिखो प्रॉब्लम, नहीं तो आगे वाला प्रॉब्लम आगे वाला ही पार्ट में बताएंगे, रहने दो।